सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान टेक सीरीज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक श्री। फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप एक नंबर पर करना है मिस कॉल। यहां पर देख सकते हैं कि ये थंबनेल रहा, बस मिस कॉल करके आप बैंक का बैलेंस कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आपको मैं लाइव डेमो देता हूं। सबसे पहले आपको जाना है अपने डायल पैड में। जैसा कि देख सकते हैं कि आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उसका नंबर आपको कहाँ पर लेना है, उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको डेमो देता हूँ। जैसा कि मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पर एक नंबर टाइप करना है आपको, 9223766666। ये रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नंबर जिससे आप अपना बैंक का बैलेंस चेक करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपका जो नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है उसी से आपको करना है मिस कॉल। यहाँ पर मैं देख सकते हैं कर रहा हूँ मिस कॉल। यहाँ पर मैं देखेंगे कॉलिंग कर दिया है। ये स्पीकर यहाँ पर मैं ऑन कर देता हूँ। स्पीकर ऑन के बाद ये देखिए, यहाँ पर स्पीकर ऑन कर दिया मैंने। ये दिखाया देखिए ट्रू कॉलर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये नंबर आपका टोल फ्री नंबर है, इसलिए आपका कोई चार्ज नहीं करना है, फ्री का है, कोई भी पैसा पेड नहीं करना है। ये नंबर आपको ये कॉलिंग होगी, आप देख सकते हैं कि मैसेज मेरे मोबाइल में आ चुका है। ये देख सकते हैं ऊपर आप टाइम लाइव, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, ऊपर आप टाइम देख सकते हैं। यहाँ पर टाइम है 8:48। ये देख सकते हैं 8:48 में ही मेरे मोबाइल में मैसेज आया। यहाँ पर मैं आपको बैक होकर मैसेज बॉक्स में जा सकता हूँ और ये देख सकते हैं सबसे ऊपर एक मैसेज आया 8:48 में। यहाँ पर मैं ओपन कर दूंगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 24/4/2020 8:48 अवेलेबल अकाउंट नंबर है आपका। यहाँ पर आपका बैलेंस शो हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस आपका शो हो रहा है। अब आपको बताऊंगा कि ये सब ट्रिक आपको कैसे करें, इसके लिए आपको एक ट्रिक करनी पड़ेगी तभी आपका मैसेज आएगा। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, एक काम आपको करना क्या है, वीडियो को कर देना है सबसे पहले लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री होता है, और बगल में नोटिफिकेशन घंटी होगी उसको ऑल करके प्रेस कर देना जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगा। और आपको नीचे आना कमेंट्स बॉक्स में, यहाँ पर आपको कमेंट्स करना है कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है। SBI में है तो आपको SBI लिखकर आपको कर देना है कमेंट्स। अगर आपका अकाउंट PNB में है तो आपको PNB लिख के कर देना है कमेंट्स। अगर आपका एक्सिस बैंक में है तो आपको एक्सिस लिखकर आपको कर देना है कमेंट्स। आपका अगर किसी भी इलाहाबाद बैंक में है तो इलाहाबाद लिखकर आपको कर देना है कमेंट्स। आपको इतना करना है काम। अब आपको ये जानना है कि कैसे आपको नंबर में मिस कॉल करने हैं, क्या उसके लिए करना क्या होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने मोबाइल मैसेज में। यहाँ पर अगर अगर आपका SBI का नंबर है तो SBI में आपको मैसेज करना होता है। अगर किसी अदर बैंक का में अगर है तो उसका मैं वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी बैंकों के लिए आपको मिस कॉल करना है ये चीज नहीं करनी। ये जो चीज बता रहा हूँ ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही करनी है। आपको यहाँ पर कंपोज में जाना है। कंपोज में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज टाइप करना है, लिखना है आपको REG स्पेस, आपको अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर डालना है आपको, और अकाउंट नंबर आपको डालना है सही तरीके से। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको मैसेज सेंड करना है 9223488888। आपको लिखना है REG स्पेस अपना अकाउंट नंबर और टाइप भेजना है आपको 9223488888। ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करना है। आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज सेंड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मैसेज सेंड कर दिया है, मैसेज सेंड हो चुका है। मैसेज सेंड होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं SMS चार्ज यहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो कटा है, कोई यहाँ पर पैसा आपको नहीं पे करना है। अगर आपका पैसा पे होता है तो कभी कभी 1.5 रुपये कट सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज ऊपर आ चुका है। ये देखिए मैसेज को मैं आपको बैक करके आपको दिखा सकता हूँ मैसेज बॉक्स में जाकर। ये देख सकते हैं अभी अभी मैसेज ये आपका देखे सकते हैं, ये मैसेज ओपन करूंगा। मैसेज ओपन करने में यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज अभी आया है 8:51 में। यहाँ पर लिखा है डियर कस्टमर योर मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस सर्विस फॉर अकाउंट नंबर, आपका ये लिखा है फॉर चेंजिंग द अकाउंट नंबर काइंडली डिस रिचार्ज फर्स्ट। ये देखिए मेरा 8:48 में जो मैसेज आया था बैलेंस का था, दूसरा मैसेज आ गया है कि यहाँ पर मेरा मोबाइल इस फैकल्टी के लिए रजिस्टर्ड है। तो आपको ऐसे ही रजिस्टर्ड करने के लिए आपको ये मैसेज लिखना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। बाकी बैंकों के लिए आप करना क्या होगा, आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन दे दूंगा, उस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँ, वहाँ से आप कर लेते हैं उसका डाउनलोड। ये रहा एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन में दिखा सकता हूँ। ये रहा एप्लीकेशन,
बैंक बैलेंस, यहाँ पर ये एप्लीकेशन को कैसे आपको करना है ओपन। ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मेड इन इंडिया का एप्लीकेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं सारे बैंकों का यहाँ पर है, कोई भी बैंक जैसे आपको चेक करना है। ये रहा फिंटर बैंक ऑफ इंडिया में क्लिक कर देंगे। फिंटर बैंक ऑफ इंडिया में क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक बैलेंस में क्लिक करना है। और ये क्लिक के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है चेक बैंक बैलेंस गेट मिनी स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको मैं चेक बैंक बैलेंस में क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं ये नंबर आ चुका है। ये नंबर आपका ये रखा है 9552444422, ये नंबर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। ऐसे ही आपको नंबर से कर देना है मिस कॉल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सुझाव होगा, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाले। तो फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।